हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर ये देखिए चैप्टर 7, एंड चैप्टर 7 का पेज नंबर 75। देखिए प्रॉब्लम ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यहाँ पे प्रॉब्लम से जो कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, मेजर करनी है लेंथ। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ टू ऑफ पीस ऑफ रोप हुज लेंथ आर 27 मीटर एंड 33 मीटर। देखिए आपको टोटल लेंथ बतानी है रोप की, रस्सी की, उसके टू पीस है, एक 27 मीटर का है, एक 33 मीटर का है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर दिया तो 60 मीटर आंसर आ गया। यहाँ देखिए विपुल है 725 मीटर क्लॉथ इन हिज शॉप, विपुल के पास शॉप पर 725 मीटर क्लॉथ है। ही परचेज 197 मीटर मोर क्लॉथ, उसने और भी 197 मीटर और ज़्यादा खरीद लिया। हाउ मच टोटल क्लॉथ हैज़ ही नाउ, अब इस वक्त उसके पास कितना मीटर क्लॉथ हो गया, तो 725 मीटर है, एंड उसने देखिए 197 मीटर और ख़रीद लिया, तो 197 मीटर है, इसको ऐड कर देंगे, ऐड आपको अपने आप करना है। ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 289 मीटर इन हाइट वाइल अदर बिल्डिंग इज 303 मीटर इन हाइट, यानी कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी 289 मीटर हाइट है और दूसरी बिल्डिंग की हाइट है 303। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ टू बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंग की मिलाकर के कितनी हाइट हो जाएगी, तो इसमें देखिए एक बिल्डिंग की हाइट है 289 मीटर एंड दूसरी बिल्डिंग की हाइट है 303 मीटर, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अखिल इज 85 सेंटीमीटर टॉल एंड निखिल इज 63 सेंटीमीटर टॉल, हाउ मच टॉल इज अखिल देन निखिल। तो देखिए अखिल की 85 सेंटीमीटर और निखिल की है 63 सेंटीमीटर। अब आपको बतानी है कि अखिल जो है निखिल से कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए अखिल की है 85 सेंटीमीटर एंड निखिल की है 63 सेंटीमीटर। इसमें से आप जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगी कि अखिल की कितनी सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट है। नेक्स्ट है कि ए ट्रेन इज 288 मीटर लॉन्ग एंड अनदर इज 279 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स टुगेदर। एक ट्रेन की हाइट मीटर है, लॉन्ग है 288 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 279। अब यहाँ पे पूछा है दोनों ट्रेनों की टोटल कितनी लेंथ होगी, तो इसमें उसके लिए हम कर देंगे प्लस, कीजिए आप अपने आप। रीन्यू अबाउट 167 सेंटीमीटर ऑफ वाइट रिबन, रेनू के पास जो वाइट रिबन है 167 सेंटीमीटर है, यानी कि ख़रीदा है उसने। इफ 39 सेंटीमीटर ऑफ द रिबन इज़ कट ऑफ फ्रॉम इट, अगर 39 सेंटीमीटर उसमें से हम रिबन कट कर देते हैं, व्हाट लेंथ ऑफ द रिबन इज लेफ्ट, तो उसके पास कितनी रिबन रह जाएगी। तो 167 यहाँ पे हमें मीटर भी लिखना है, 167 सेंटीमीटर है एंड 39 सेंटीमीटर उसने कट कर दिया, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। आई हैड रेड रिबन 85 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, टू पैक अ गिफ्ट आई स्पेंड 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऑफ रिबन, हाउ मच रिबन इज नाउ लेफ्ट विथ मी, यानी कि मेरे पास 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन था रेड कलर का, जो कि जब मैंने गिफ्ट पैक करा तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर खर्च हो गया, तो अब मेरे पास कितना बचेगा। तो देखिए 8 इसका हम ऊपर लिख देते हैं, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, मीटर यहाँ आएगा, सेंटीमीटर था उसके पास टोटल और जो उसने खर्च कर दिया वो कर दिया 30 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, जब हम जो माइनस करेंगे वो उसका आंसर आएगा। देखिए हम कर देते हैं, 0 का तो 0 रहेगा, 5 माइनस 3 2 रह गया, 7 8 माइनस 1 7, यानी कि अब उसके पास 7 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिबन रह गया है। नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग, ये ऐड करना है आपको, अपने आप ऐड करना है, आपको आते हैं ऐड। 3 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी आपको आते हैं, आपको अपने आप सब्ट्रैक्ट करने हैं, यही आपका होमवर्क है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर, इनको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 8 मीटर है इट एंड 55 सेंटीमीटर है, तो हमने कैसे बताया था, देखिए हम दोबारा बताते हैं, 8 मीटर 55 सेंटीमीटर है, 8 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो 8 मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, प्लस 55 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे पास
है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 800 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर, टोटल आंसर आ जाएगा 855 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना आंसर आ जाएगा, 855 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, 8 × 100 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये देखिए 9 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, देखिए ये भी हम बताते हैं आपको अभी। देखिए 9 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 9 को हम सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। जब हम इसको टोटल ऐड कर देंगे तो इसका आंसर देखिए हम ऐड करेंगे यहाँ पर 950 एंड 40, टोटल सेंटीमीटर में 0 में 0 ही रहेगा, 5 + 4 9 एंड 9 का 9, तो ये हो गया 990 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 990 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 65 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, तो देखिए 65 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर ऑलरेडी है हमारे पास, 1 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 × 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस कर देंगे 65, 100 एंड 40, 5 का 0 से 5 ऐड करेंगे तो 5, 6 + 4 10 कैरी 1, 1 + 1 2, यानी कि 205 सेंटीमीटर आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा 205 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए 5 मीटर 30 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, 5 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, प्लस 35 सेंटीमीटर। अब देखिए 500 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 565 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 565 सेंटीमीटर। अब देखिए एक्टिविटी, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन मीटर एंड सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल्स की हेल्प से आपको लेंथ करनी है योर क्रिकेट बैट, आपको अपने क्रिकेट बैट की लेंथ करनी है, मेजर करना है, और उसकी जितनी लेंथ हो यहाँ पर लिखनी है, मैथ्स टेक्स्ट बुक यानी कि मैथ की जो टेक्स्ट बुक है उसको मेजर करना है, यहाँ पर लिखना है, योर पेंसिल बॉक्स, आपको अपने पेंसिल बॉक्स को स्केल से नापना है, मेज़र करना है कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, योर टूथब्रश, आपको अपने टूथब्रश को लेंथ उसको नापना है, यहाँ पर लिखना है, योर कॉम, आपके कॉम की कितनी लेंथ है, देखिए कॉम, टूथब्रश, पेंसिल बॉक्स, ये सब स्केल से सभी हाइट जो हैं स्केल से आप लेंथ कर सकते हो, नाप सकते हो, तो ये आपको अपने बैट की, अपने टूथब्रश की, सबकी नोट अपने आप नापनी है और यहाँ पर लिखनी है। तो आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है, ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर को एंड जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चैप्टर 7 इज़ कम्प्लीट।